चीन ने डोकलाम विवाद पर भारत को आखिरी धमकी देते हुए तीन विकल्प दिए हैं। चीन के एक पूर्व राजनयिक ने बुधवार को भारत को धमकी दी कि इस विवाद को एक महीना हो गया है, लेकिन भारत की सेना वहां डटकर खड़ी है। अब भारतीय सैनिकों को तीन विकल्प दिए जाएंगे, वापस जाओ, कब्जा कर लो या चीन के हाथों मारे जाओ। पूर्व राजनयिक की टिप्पणी बीजिंग के रुख को और कड़ा कर देती है, जिसमें चीनी सरकार जोर दे रही है कि जब तक भारत वापस जाने की पूर्व शर्त पूरी नहीं करता, राजनयिक समाधान के लिए कोई जगह नहीं है। पहले मुंबई में कौंसल जनरल रह चुके पूर्व राजनयिक लियू हेफा अब रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ बन गए हैं। लियू ने चाइना सेंट्रल टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में कहा, जब किसी देश के सैनिक बॉर्डर पार कर लेते हैं और किसी दूसरे देश की सरहद में पहुंच जाते हैं, तो वो खुद बाखुद उस देश के दुश्मन बन जाते हैं और उन्हें तीन विकल्प में से एक चुनना होता है। लियू ने आगे कहा, पहला वो स्वेच्छा से बाहर चले जाएं या इलाके पर कब्जा कर लें, या फिर सीमा विवाद बढ़ने पर वो मारे जाएं। यही तीन संभावनाएं हैं। लियू ने कहा कि चीन भारत के कदम का इंतजार कर रहा है। एक दिन पहले ही चीन ने भारत को ललकारते हुए कहा था कि चीन युद्ध के लिए तैयार है और वो भारत से युद्ध करने से डरता नहीं है। डोकलाम में गतिरोध पर चीन और भारत के बीच तनाव में कोई कमी नहीं आई है। चीन ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है, वो हर रोज भारत को चेतावनी दे रहा है। इधर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत की मंशा साफ कर दी है कि वो अपनी सेना पीछे नहीं हटाएगा, बल्कि उसके साथ दुनिया भर के देश खड़े हैं। टीम इंडलिंग्स।